एंडरमैन। एंडरमैन जैसे ही सामने से देखता है, एक ड्रैगन उनके विलेज की तरफ को आ रहा है। और जब उसने ये चीज़ देखी, तब वहाँ पर उसने सोचा ये सबको बताना बहुत ज़रूरी है। और उसी टाइम सायरन भी बच गया। और जब उसने इतना बचाया, सारे के सारे एंडरमैन्स वहाँ पर इकट्ठा होना चालू हो गए। और जिसके बाद वहाँ पर सभी के सभी जान गए थे वो एंडर ड्रैगन वापस से आ चुका है। जो एंडर ड्रैगन अब आया है काफ़ी दूर से अपना एग लेकर, और वो आता है और अपनी मेन जगह पर आकर बैठता है और जोर की दहाड़ लगा देता है। और जिसके बाद वहाँ पर एक प्लेस होती है, उस वाइट प्लेस के पास वहाँ पर वो एग रख कर वहाँ से चला जाता है। और जिसके बाद वहाँ पर वो सभी उसे अलविदा कह देते हैं। और वो सब उस ड्रैगन के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। और वहाँ पर 3 महीने बीत जाते हैं। जब 3 महीने बीत जाते हैं, तब वहाँ पर एक एंडरमैन के पेट में 2 मंथ का बेबी था। और उस बेबी को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे और एक्साइटेड भी हो रहे थे। और जिसके बाद वहाँ पर अचानक से एक दिन एंडर ड्रैगन वापस से अपने चेक करने आया था एग को, पूरे 2 महीने बाद। 2 महीने बाद जब एंडर ड्रैगन अपने अंडे को चेक करने आया था, वहाँ पर वो चेक करके वापस से चला गया। लेकिन अचानक वो दिन आता है जब आने वाला था एक छोटा सा एंडरमैन। और जिसके बाद टाइम बीतता है और हम देखते हैं एंडर ड्रैगन के एग को। और उसी टाइम एंडर ड्रैगन के अंडे के अंदर से कुछ हलचल होती है। और वो हलचल होती है वहाँ पर, जैसे ही हलचल होती है वहाँ पर फूटता है और निकल जाता है एक एंडर ड्रैगन का बच्चा। सारे एंडरमैन जब बड़ी विशाल से एंडर ड्रैगन को आते हुए देखे अपने छोटे से बच्चे के पास, तब वो सब दूर हो गए। और वो एंडर ड्रैगन उसके नज़दीक गया और उसे प्यार से अपने सर के ऊपर बैठा लिया। और जब उसने ये करके अपने बच्चे को उड़ाकर ले गया एक राउंड के लिए, वहाँ पर सारे एंडरमैन ने उन्हें प्यार से बाय कर दिया। और जिसके बाद वहाँ पर दूसरा दिन चालू हुआ। ऐसे ही 3 साल बीत गए। 3 साल लेटर वहाँ पर अब एंडरमैन का एक छोटा सा बच्चा था। उनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा खुशी से रहती थी, लेकिन किसे मालूम था कि उनके साथ कब कुछ अनहोना अनहोनी घट सकती है। और जैसे ही वो बाहर देखते हैं, अचानक से पूरे 3 साल बाद एक एंडरमैन आ जाता है। और शायद ही वो एंडरमैन था जो कि काफ़ी छोटा था, लेकिन आज वो बड़ा हो गया था। और वहाँ पर एंडरमैन का एक नया एग आता है। और वहाँ पर एंडरमैन ने शायद से एक नया अंडा दिया था। और एंडर ड्रैगन के इस नए अंडे को देखकर वहाँ पर बेबी एंडरमैन देखकर काफ़ी शॉक हो गया। और उसे ये समझ में नहीं आया कि उसे देखकर क्या करना चाहिए। और जिसके बाद वो उस एंडर ड्रैगन के एग के पास जाने लग जाता है। लेकिन एंडर ड्रैगन को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाती है और वो डर के मारे वापस से अपनी मॉम के पास चला जाता है। लेकिन उसकी मॉम उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार से समझाती है, अगर एंडर ड्रैगन के एग टूट गए तो वो हम सभी लोगों को मार डालेगा। और जिसके बाद वहाँ पर ऐसे ही काफ़ी टाइम बीत जाता है और 2 एंडरमैन छुट्टियों के लिए गए रहते हैं। और जिसके बाद वो दोनों एंडरमैन छुट्टियों के लिए कहीं दूर जा रहे थे। और जिसके बाद वहाँ पर वो जब चलते चलते आगे जा रहे थे, उन्होंने कुछ ऐसा नोटिस किया कि वहाँ पर एक पोर्टल है। और उस पोर्टल को देखकर उन्होंने वहाँ पर सोचा, आखिर इस पोर्टल के उस पार कैसी दुनिया बसी होगी। वो इस चीज़ को देखकर दंग हो गए। लेकिन एंडरमैन ने जैसे ही उसे देखा, वहाँ पर वो टेलीपोर्ट होकर उस पोर्टल के सामने जाकर पहुँच गया। और वो लोग इस पोर्टल को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक थे।
उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि पोर्टल आखिर कहाँ से आया। ये शायद से उनके पूर्वजों का एंशियंट ह्यूमन रेस का पोर्टल था, और जिसके बाद वो अपने हाथों पर पिकेक्स लेकर आगे बढ़ना चालू कर दिए। लेकिन वहाँ पर कुछ खतरनाक से वुल्फ उनका वेट कर रहे थे, और जिनके बारे में उन्हें नहीं मालूम था। काफ़ी सारे एंडरमैन्स एक जगह पर बैठकर कोई तो आराम कर रहा था, तो कोई वहाँ पर आग जलाने का काम करने वाला था, और वहाँ पर वो एक फायर वर्क बनाने वाले थे। और जिसके बाद वहाँ पर उन्होंने एक लकड़ी ली और वहाँ पर पहले के टाइम की जैसे आग लगाना चालू कर दी। जैसे ही उन्हें थोड़ी सी फायर मिली, उन्होंने बॉन फायर वहाँ पर बनाया, और जिसके बाद वहाँ पर वो बॉन फायर बनाकर जब इंजॉय कर रहे थे, काफ़ी सारी वुल्फ की आर्मी वहाँ पर आ गई, और जिसके बाद वो उनसे लड़ना चालू कर दी। और जिसके बाद वहाँ पर वो जो एंडरमैन्स थे उस वुल्फ से फाइट करे, और जिसके बाद उन एंडरमैन्स को थोड़ा सा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चोट लग गया उन वुल्फ से लड़ते लड़ते। लेकिन एंडरमैन का जो बेबी था, बेबी एंडरमैन, जैसे ही देखता है वहाँ पर, वो देखता है वो उस आग से डर रहा है, और उसी ने उस वुल्फ के पास उस आग को ले गया, और वो वुल्फ उसे देखकर पीछा होना चालू कर दिया। जब वो पीछे हट गया, तब वहाँ पर गेस व्हाट, सभी लोग भागना चालू कर दिए, और जिसके बाद वो सब काफ़ी ज़्यादा दूर चले गए। और जिसके बाद वहाँ पर उसने ये पता किया कि आग से ये हॉस्टाइल मॉब्स डर जाते हैं, और जिसके बाद एंडरमैन्स की जीत हो गई। लेकिन वहाँ पर जैसे ही उसके डैड आते हैं, उसके डैड आकर उसे बताते हैं तुम थोड़ा बहुत पावरफुल तो हो चुके हो, वहाँ पर अचानक से एक डॉग भी आता है, और वो डॉग जैसे ही आता है, वो डॉग उस एंडरमैन के गले जाकर मिल जाता है, और जिसके बाद वहाँ पर वो एक दिन अपने डॉग के साथ नॉर्मली खेला कर रहा था। और वहाँ पर जब वो खेला करता था, उसका डॉग उसे हमेशा एक सही टाइम पे उसे खेलने के लिए उठाया करता था, और जिसके बाद आज उसका डॉग उसे उठाता है, और उठाते साथ वो उसे खेलने के लिए पूछ लेता है, और जिसके बाद आज वो डॉग उसे लेकर बाहर की साइड ले जाता है, और जिसके बाद वहाँ पर वो भी उसके साथ उसी तरीके से चला जाता है। और जिसके बाद वहाँ पर वो जैसे ही एक पत्थर को फेंकता था, वहाँ पर वो डॉग उस पत्थर को लाकर ऐसे ही दे दिया करता था, और जिसके बाद वहाँ पर सोचता है कि वो अपने डॉग की ट्रेनिंग और अच्छे से कराए। इस वजह से वहाँ पर जब वो एक स्टोन को फेंकता है, वो स्टोन काफ़ी ज़्यादा दूर जाता है, और जिसके बाद वहाँ पर वो उस स्टोन को लेकर वापस से उसका डॉग उसके पास चला जाता है। लेकिन किसे मालूम था कि डॉग इतना अच्छा तो कर रहा है, लेकिन वो देखता है कि अब वो ऐसा निशाना लगाएगा कि डायरेक्ट वो सबसे आखिरी वाले पहाड़ में जाकर लगेगा, और वो ऐसा ही करता है। वो डायरेक्ट जब फेंकता है, वहाँ पर एंडर ड्रैगन के एग को लगता है, और एंडरमैन्स देखकर पागल हो जाते हैं इस चीज़ को देखकर। और वहाँ पर उन एंडरमैन की मॉम डैड एंडरमैन की आंखें खुल जाती हैं, और जब वो देखते हैं एंडर ड्रैगन का एग अब पूरी तरीके से टूट चुका है, और अब उनको ऐसी सज़ा मिल सकती है कि वहाँ पर वो हमेशा हमेशा के लिए इस सज़ा की भरपाई भी ना कर पाए। एंडरमैन अपनी जादुई शक्तियों से जान जाते हैं कि ये काम इनके बेटे का है। काफ़ी गुस्से वाली आवाज़ से एक एंडर ड्रैगन उनके पास बढ़ना चालू करता है। वहाँ पर वो एंडर ड्रैगन बढ़ते जा रहा था, वो एंडर ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, और जिसके बाद वहाँ पर उन्हें रियलाइज होता है उन्होंने काफ़ी गलत कर दिया है अब। और वहाँ पर सारे एंडरमैन्स भागना चालू करते हैं, और जब तक वहाँ पर वो पहुँच गया, एंडर ड्रैगन वहाँ पर काफ़ी गुस्से में था, और वो हर जगह दहाड़ लगाता है, और जिसके बाद वो अपने बच्चे को देखता है, और वो देखता है
कि अब उसका बच्चा तो मर चुका है। वो इतना ज़्यादा रोता है कि उसके रोने की सीमा वहाँ पर पूरी तरीके से बढ़ जाती है और वो ओवर पावर होकर रोने लगता है। उसका गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ चुका था एंड क्रिस्टल्स वहाँ पर लाइट अप होना चालू हो जाते हैं और वो लाइट अप होकर काफ़ी जोरों से घूमना चालू कर देते हैं और जिसके बाद उन सभी की पावर से उनके मॉम डैड को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और वो लाइट अप करके यही दर्द अब देने वाले थे हर एक एंडरमैन को उनकी वजह से। और जिसके बाद वहाँ पर एक दो विलेजर उसके पूरे के पूरे उसके मुंह पे एम करते हैं और उसे वो जान से मारने वाले थे। वो नन्ना सा बच्चा जब वहाँ पर देखता है उसके पास तीर आ रहा है, उसके हाथ में तीर लगता है और वो घायल होकर ज़मीन में गिर जाता है। और जिसके बाद उसकी नज़र खुलती है और उसकी मोम वहाँ पर उसकी बेटे को देखती है, वहाँ पर वो ज़मीन पर गिरने ही वाला था, तभी उसकी मोम वहाँ पर जाती है और जिसके बाद वो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। वो माँ काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी थी और वो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। वहां पर वो आंख मुंदे पड़ा हुआ था और आंख मुंदे वहां पर पड़ा था और उसकी मॉम की आंखें चौंधी आ गई थी अपने बेटे को ऐसा देखने के बाद। और उसकी मॉम वहां पर काफी ज्यादा सैड हो जाती है और जिसके बाद उसे इतना गुस्सा आता है कि वहां पर वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। एक माँ अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती थी और वो फौरन उड़कर जाती है पूरे के पूरे गाँव में। और वो पूरे के पूरे गांव में जाने के बाद वहाँ पर सबसे पहले वो एक विलेजर को देखती है और सबसे पहले वहाँ पर उसे अपना बदला याद आता है और वो चली जाती है उसी टाउन हॉल के पास। उसे दिखता है वही लोग जो कि उसके बेटे को मारे थे बेदर्दी से और अब वो आ चुकी थी अपना बदला लेने। और अब वहाँ पर वो दोनों विलेजर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर कुछ करते इससे पहले वहाँ पर उन्हें आग लग जाती है और जिसके बाद वहाँ पर वो गिर जाते हैं और विलेजर में पूरे के पूरे विलेज में आग लगती है बहुत ज़्यादा बड़ी और इस आग की गुंजान बहुत ज़्यादा थी और पूरे के पूरे देश में ये सुनाई दे रही थी। और जिसके बाद वहाँ पर वो ड्रैगन झुकने नहीं वाली थी किसी के भी सामने और उसके सामने चाहे कोई भी आ जाता अब वो झुकने का नाम नहीं लेने वाली थी। और अब वो अपने बेटे की आग में वहाँ पर वो सबको मारने लगती है। लेकिन वहाँ का जो किंग था वहाँ का मेन कमांडर उसे वो आग लगा देती है और अनलकीली वो अपने बेटे को दूर फेंक कर उस आग के अंदर फंस जाता है और एक और बेटे का जन्म होता है जिसका था गुस्सा इतना ज़्यादा खतरनाक और उसने बचपन से ही सीखा था तलवारबाजी और वो डिफेंस करके उस ड्रैगन के नीचे जाकर उसकी हार्ट के अंदर छीन देता है और वहाँ पर वो ड्रैगन चला जाता है गॉड के पास। और वो बेटा